सीएम भजनलाल शर्मा के युवा वर्ग को सौगात, कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर होगी भर्ती। राज्य के विभिन्न विभागों के लिए ये भर्ती होगी, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,788 पद शामिल रहेंगे, अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद भी शामिल होंगे। लेखानुदान में सरकार ने की थी 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा, इस पर सरकार ने क्रियान्विति का काम भी शुरू कर दिया है। ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से राजस्थान के युवा वर्ग को, कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती होगी। राज्य के विभिन्न विभागों के लिए ये भर्ती रहेगी, इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,788 पद शामिल किए गए हैं, तो वह अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 764 पद शामिल किए गए हैं। लेखानुदान में 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा सरकार ने की थी और यहाँ पर घोषणा का क्रियान्वयन होते नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3,552 पदों पर भर्ती की घोषणा कनिष्ठ सहायक के, तो युवा वर्ग को बड़ी सौगात, एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है और ऐसे में विभिन्न विभागों के लिए भर्ती होंगी। 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा लेखानुदान के समय वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से की गई थी और उसके बाद ये पहली सौगात युवाओं के लिए, कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती, राज्य के विभिन्न विभागों के लिए भर्ती परीक्षाएं होंगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि लेखा अनुदान में जिन 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी उस पर सरकार काम करते हुए नजर आ रही है, घोषणाओं की क्रियान्विति होती दिख रही है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, सरकार ने जो घोषणा की थी 70,000 पदों पर भर्ती की, उनमें अब उस घोषणाओं का क्रियान्वयन होता यहां पर नजर आ रहा है। युवा वर्ग के लिए एक बड़ी सौगात, कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती होगी। समारोह समिति के द्वारा वर्ग में अभी दो कार्यक्रम किसी स्थान पर हम संपन्न करते हुए दियो फॉलो, एक तारीख है 25 सितंबर, हम सबको ध्यान होगा। चलिए फिर से आपको बता दें कि बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से किया गया। हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ बने हुए, विष्णु ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से, जो कि 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी, वो अब कहीं ना कहीं क्रियान्वित होती नजर आ रही है कनिष्ठ सहायक भर्ती की इस सूचना के साथ ही। बिल्कुल बड़ा फैसला है मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का, और क्योंकि 3,552 पदों पर 552 पदों पर यहाँ भर्ती की जाएगी और इसको लेकर युवाओं को लंबे समय से इंतजार था और सरकार ने अपने जो नीतिगत दस्तावेज है उसमें भी इसको शामिल किया था और साथ ही अब इन पदों पर भर्ती यहाँ पर निकाली गई है और कुछ समय बाद ये भर्ती शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में युवाओं को नए रोजगार के अवसर यहाँ पर मिलेंगे। और इस क्योंकि लगातार जो लेखानुदान पेश किया था विधानसभा में उसमें भी इसका जिक्र किया जाता है इस भर्ती का, तो ऐसे में अब जो युवाओं की आशाएं है वो पूरी होती नजर आ रही है। जी शुक्रिया विष्णु पूरी जानकारी के लिए।